कॉर क्लासेस में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स आज की वीडियो है बीपीएचई 101 एलिमेंट्री मैकेनिक्स हम इसकी थर्ड यूनिट कर रहे थे मोशन इन इन अ प्लेन तो मोशन इन अ प्लेन इसके कुछ टॉपिक्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो देखते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअली होता क्या है तो अगर डेफिनेशन की बात करें कोई भी एक पार्टिकल जो सर्कल के अराउंड मूव करता है अगर उसका पाथ सर्कुलर है और अ सर्कुलर आर्क एट अ कांस्टेंट स्पीड और उसकी या दूसरी तरफ कहें कि सर्कुलर आर्क के थ्रू वो ट्रेवल कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है उसका मतलब है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है देन इट इज सेट टू अंडर गो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर एग्जाम्पल की बात करें ऐसे एग्जाम्पल्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हम अपने आसपास पास कहां पे देखते हैं विच इज आर्टिफिशियल सेटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट होती हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती हैं अराउंड द अर्थ या फिर दूसरी बात करें इलेक्ट्रॉन्स मूविंग नियर द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वो भी सर्कुलर पार्थ में मूव करती हैं तो दीज आर द दीज मोशंस आर नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब इसके डिस्प्लेसमेंट स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड एक्सेलरेशन इन सभी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में अब सपोज कर लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो जो उसकी वेलोसिटी है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली जब वो मूव करता है अराउंड द सर्कुलर पाथ तो सपोज कीजिए वो जो ऑब्जेक्ट है पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इस पाथ पे तो यहां पे जो सपोज कीजिए उसकी पोजीशन है तो इस पोजीशन इसके रिगार्डिंग पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा आर पोजीशन वेक्टर सपोज कीजिए इट इज आर पोजीशन वेक्टर ओके okay? तो अलोंग एक्स एक्सिस वो पोजीशन वेक्टर है आर वन जिसका मैग्नीट्यूड है आर अगर हम देखें वाई एक्सिस पे तो उसका सपोज कर लीजिए उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर टू उसका मैग्नीट्यूड है आर तो अभी पोजीशन वेक्टर जो है विद रिस्पेक्ट टू ओ एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम दिखा दिए गए मतलब कि टी वन टाइम पे उसका पोजीशन वेक्टर आर वन है टाइम t2 पे उसका पोजीशन वेक्टर r2 है ओके okay? तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है एट एनी पॉइंट वो क्या होगा टेंजेंट अलोंग दैट पॉइंट वो क्या होगा टेंजेंट अलोंग दैट पॉइंट तो जैसे कि हम यहां पे पोजीशन वेक्टर की बात करें तो उसका जो टेंजेंट खींचा गया तो r1 पोजीशन वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा v1 जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा v और अगर पोजीशन वेक्टर r2 के अलोंग उसका टेंजेंट खींचते हैं तो वो क्या देगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v2 उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा v हो जाएगा तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज द टेंजेंट एट दैट पॉइंट अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी बोले हैं वही हमने लिखने हैं पेपर में तो कौन से पॉइंट्स हैं कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड सबसे पहले आपको बताना होगा कि एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है उसकी स्पीड कांस्टेंट है उसके साथ साथ आपको वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बारे में बताना है उसके कुछ ना कुछ एसोलेशन भी होगा और वो नॉन जीरो क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स अ डेफिनेशन फॉर एसोलेशन तो एसोलेशन इसका, इसका जो है वो Uh, कोई ना कोई एक्सोलेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो जरूर होगी तो कंसीडर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ओ एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम देयर मैग्नीट्यूड आर सेम एंड इक्वल टू रेडियस तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होंगे जितना उसका रेडियस है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो भी सर्कल का रेडियस होगा यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा रेडियस ऑफ द सर्कल तो ये भी क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज अलोंग द देंशन एट दैट पॉइंट जो हमने अभी टेंजेंट बिकॉज फॉर अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस क्योंकि आपको पता है टेंजेंट टेंजेंट कैसे खींचते हैं हैं जो होते है, वो उस रेडियस के परपेंडिकुलर होने चाहिए तो इस रेडियस इस रेडियस का परपेंडिकुलर ये होगा इस रेडियस का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो 90 डिग्री पे ये जो टेंजेंट खींचा गया है तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये आपको कैसे पता चला कि टेंजेंट ऐसे कैसे आए

ऐसे ही अगर बात करें इसका मैग्नीट्यूड आर वन का क्या हो जाएगा आर और आर टू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा आर होगा तो सेम मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ अगर हम वेलोसिटी की बात करें क्योंकि वो टेंजेंट है एक तो ये टेंजेंट ले लिया देखिए ये टेंजेंट इसी टेंजेंट को डायरेक्ट उठा के यहां पे एज इट इज लगा दिया ओके अब दूसरा टेंजेंट देखते हैं दूसरा टेंजेंट ये लिया और डायरेक्ट उठा के यहां पे लगा दिया ठीक है तो ये इसकी क्या हो जाएगी चेंज इन तो वी टू एट टी टू वी वन विलोसिटी एट टी वन और ये क्या इसका चेंज हो जाएगा विद एंगल थीटा तो वही मैग्नीट्यूड ऑफ एंड वी टू वैक्टर आर सेम तो डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है और उसे उसी तरह से एक्सप्लेन करना है अब हम इसे रिटर्न में कैसे लिखेंगे कि सपोज कर लीजिए कि पोजीशन वेक्टर r1 है टाइम t1 पे और r2 है एट टाइम t2 पे और उसके वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर वन वो क्या होगा वी वन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट गिव राइज टू द वेलोसिटी वेक्टर ठीक है तो R1 के वी टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज गिवन बाय डेल्टा आर वेक्टर तो डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर तो ये तो होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट अब डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर ली अब हम बात करते हैं velocity के बारे में तो विलॉसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एजॉसिटी तो एवरेज विलॉसिटी क्या होगा वी एवी का मतलब है एवरेज विलॉसिटी एवरेज विलॉसिटी वेक्टर इज चेंज इन द पोजीशन वेक्टर चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम इंटरवल और इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे मैग्नीट्यूड क्या है वी है क्योंकि हमने ये पीछे सीखा है तो वी वैल्यू क्या होगी डेल्टा आर इसका मैग्नीट्यूड क्या है डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा डेल्टा आर तो क्या हो जाएगा वी एवरेज इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डेल्टा r अपॉन डेल्टा t तो एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर लिया इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया तो हमें यहां से एक चीज मिली क्ल टू डेल्टा आर पॉन डेल्टा टी यहां से हम ये बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कर सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इज इक्वल टू वी इन टू डेल्टा टी विच इज गिवन बाई दिसल्टा आर इज इक्वल टू वी डेल्टा टी अब अगर हम बात करें कि जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम है बहुत कम टाइम में जो पोजीशन वेक्टर है वो चेंज होता जा रहा है तो उसका जो एंगल थीटा होगा वो भी तो कम होगा एंगल थीटा कम है तो इसका मतलब साइन थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा तो आर्क लेंथ आर्क लेंथ आपको फाइंड करनी आती होगी डेल्टा आर इज इक्वल टू आर थीटा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी थीटा होगी अब यहां से थीटा कैसे फाइंड करोगे दोनों के लिए यहां पे अगर थीटा निकालोगे क्या आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर यहां पे फाइंड करोगे क्या आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी तो यही यहां पे लिखे हुए हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर एंड थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी अब ये इक्वेशन यहां से अगर इसे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा वी डेल्टा टी अपॉन आर इज इक्वल टू वी ये हो जाएगा ये एज इट इज डेल्टा वी अपॉन वी ठीक है तो क्या हो जाएगा यहां पर डेल्टा वी अपॉन वी तो ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पर वी डेल्टा टी क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू क्या है वी डेल्टा टी अगर इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे क्या आ जाएगा सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू है डेल्टा वी वी जो डेल्टा वाली टर्म्स है वो एक साइड रखें तो क्या मिलेगा हमें डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वी इस तरफ चला जाएगा वी स्केयर अपॉन आर अब ऐसा हमने क्यों किया ताकि ताकिटी के बाद हमें क्या फाइन करना था उसकी एक्सलरेशन तो एक्सिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है चेंज इन द दिलॉसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो चेंज इन इनॉस दिखाने के लिए हमें डेल्टा बी और डेल्टा टी चाहिए थे ताकि हम वहां पे उसे एक्सलरेशन दिखा सके इसीलिए हमने इस टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा तो इस 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 इक्वेशन का मकसद क्या है ताकि हम डिफाइन कर सकें कि एक्सिलेशन क्या है दिस इक्वेशन गिव्स द एवरेज एक्सलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों अब यहां पे अगर आप देखें इस इक्वेशन में ये क्या हो जाएगा एक्सलेशन वीस केयरप ऑन आर तो यहां पे कोई भी t टर्म नहीं है t टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड नहीं करती है टाइम पे टाइम पे डिपेंड नहीं करती है तो इसका मतलब क्या इट रिमेन सेम इन द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो चाहे डेल्टा टी इतना कम हो जाए कि वो बिल्कुल जीरो को अप्रोच करे तब भी जो एक्सेलरेशन है वो उतनी ही रहेगी तो ऐसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू वीरोपोन आर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे अक्सर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं अब हमने भी फाइंड किया पहले हमने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बाद उसकी विलोसिटी एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड फाइंड किया फिर एक्सेलेशन की बात करी अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेशन अब डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा सबसे पहले एक्सलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा विलॉसिटी वैक्टर इसीलिए हम इस टॉपिक को एक्सेलरेशन के टॉपिक को डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जहां पे एक्सेलरेशन वर्ड आ गया हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप वेलोसिटी को लेकर तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा अब यहां पे सपोज कर लीजिए यहां पे हम वही सर्कुलर मोशन ले रहे हैं अब सपोज कर लीजिए पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो पी है पूरी पी है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स कॉम वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ओ ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा आर वेक्टर ठीक है अब वो एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड यहां पे हम क्या करेंगे ये हमने यहां एक ये और ये आर वेक्टर हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया यहां पे अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखेगी तो अगर ये एक्स है क्योंकि एक्स एक्सिस कॉर्डिनेट एक्स है तो ये जो है ये क्या किसके इक्वल है ये इसके पैरेलल है वाई एक्स इसके पैरेलल है तो इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं वाई डिस्टेंस तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया आर वेक्टर ठीक है तो अगर हम इसके कॉमा वाई मतलब के जो वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि हमने यहां पे क्या लिखा है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे एक्स और वाई कॉम्पोनेंट हम इसके हम सपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें इसके x और y कॉम्पोनेंट को रिजोल्व करना होगा x कॉमो वाई कॉम्पोनेंट को रिजोल्व करने के लिए हमें अभी सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा वी एक्स वी वाई उसके लिए आप आएंगे सेकेंड डायग्राम पे अब यहां पे क्या है इसे भूल जाइए अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसके कॉम्पोनेंट को रिजोल्व करना है ठीक है तो क्या करेंगे हम ये है एक्स कॉम्पोनेंट ये भी एक्स कॉम्पोनेंट है इसके बिल्कुल पैरल हम ले रहे हैं विलोसटी वेक्टर ठीक है क्यों ये विलोसिटी वेक्टर कैसे लिया सबसे पहले हमें क्या करना है ये क्या है यहां से यहां तक जो हमने अभी ड्रॉ नहीं किया वो हम फर्स्ट डायग्राम में ड्रॉ कर चुके हैं ये है रेडियस अब जो रेडियस है उसका बिल्कुल अगर टेंजेंट खींचेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा विलॉसिटी वैक्टर मिल जाएगा इस विलॉसिटी वैक्टर के अकॉर्डिंग हमें एक्स और वाई कॉम्पोनेट को रिजोल्व करना होगा तो एक्स कॉम्पोनेंट किसके अला होगा एक्स एक्सिस के पैनल होगा वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा बिल्कुल वाई एक्सिस के पैनल होगा तो हमने कैसे रिजोल्व करें वी एक्स वी वाई लेकिन जो ये है वी वाई इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर अब हमें फाइंड करने हैं एंड uh, तो सबसे पहले अगर फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस तो कैसे फाइंड करोगे यहां से लेकर ये तक यहां तक का डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस कितना है नाइन्टी प्लस थीटा तो ये पूरा एंगल कितना होगा गया 90 प्लस थीटा एक्स एक्सिस के अलाउंग है तो हम क्या लेंगे एक्स इज इक्वल टू वी कॉस नाइन्टी प्लस थीटा कैसे लोगे वी कॉस नाइंटी प्लस थीटा अब कॉस नाइंटी प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा माइनस वी साइन थीटा ऐसी हम वाई कॉम्पोनेट फाइंड करेंगे वाई कॉम्पोनेंट अब क्या आ जाएगा साइन नाइनटी प्लस थीटा आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वी वैक्टर तो वी वाई क्या आ जाएगा वी साइन नाइन्टी प्लस थीटा तो वी वाई हमारे पास क्या वी कॉस थीटा तो वी एक्स वाई हमने दोनों फाइंड कर लिए हैं तो इन्हीं वैल्यूज को हम आगे इक्वेशन नंबर वन इसमें पुट करेंगे वी एक्स में वी एक्स की वैल्यू वाई में वाई की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ जाएगा ठीक है अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पे v कॉम्पोनेंट तो ठीक है ये साइन और कॉस थीटा जो है इसको हमें फाइन करना पड़ेगा कैसे फाइंड करोगे फर्स्ट डायग्राम में दोबारा से आ जाइए जहां पे मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई थी वहां पे आपको मिल जाएंगे थीटा थीटा एंड ओ पी ए राइट एंगल ट्रायंगल है, right है. यहां पे साइन थीटा uh, कैसे फाइंड करोगे वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या है वाई हाइपोटेन्यूज क्या है आर तो क्या आ गया साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई वाई अपॉन आर ऐसे ही थीटा कॉस्थीटा थीटा कैसे फाइंड करोगे आप क्या होता है

अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन इसका मतलब हमें इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन फाइंड करना है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट तो पर्टिकुलर इंस्टेंट जहां पे बात आ जाए इंस्टेंटेनियस की बात आ जाए वहां पे मतलब क्या होता है सीधा सीधा डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करोगे यहां पे ए इंस्टेंट एक्सेलरेशन वैक्टर इज इक्वल टू डी वी एक्स एक्स कॉम्पोनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आई कैप एक्स कॉम्पोनेट है तो आई कैप v component dv y upon dt j j cap आ गया put the value of vx अब यहां पे हमें क्या करना है values put करनी है v देखिए यहां पे minus v अब यहां पे देखिए दोनों में देखिए तो ये हो गया i cap के साथ x component j cap के साथ हो गया y component minus v upon r as it is तो इसका derivative कैसे करोगे d v d y upon dt i cap और ऐसे ही आप क्या करोगे नेक्स्ट वैल्यू वी अपॉन आर वी अपॉन आर एज इट इज यहां पे क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी वाई कॉम्पोनेंट है यहां पे वाई कॉम्पोनेंट क्या है एक्स वाई कॉम्पोनेंट की जगह क्या है एक्स तो यहां पे क्या लिखोगे डीएक्स बाय डी टी ये लिख देंगे जे कैप लिख देंगे अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें आई कैप के साथ है वाई कॉम्पोनेंट जे कैप के साथ है एक्स कॉम्पोनेंट ओके अब ऐसे ही आप लिखेंगे ये क्या होता है डी वाई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होता है तो क्या इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे लिखोगे वाई यहाँ पे लिखोगे वी, वी एक्स बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज अब जहां पे हमने फाइंड करी थी वी एक्स वी वाई यहाँ पे जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर दोगे वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा है? थीटा था वीस cos थीटा यहां पे क्या था वी साइन थीटा v केयर साइन थीटा ओके ये वैल्यू जस्ट एज इट हमने पुट कर दी अब यहां पे देखिए माइनस वीस केयर अपॉन आर इसमें भी और इसमें भी कॉमन है कॉमन रख दिया ब्रैकेट में क्या आ गया थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप एज इट इज लिख दिया अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे जो एक्सेलरेशन है इट इज अपोजिट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन क्यों ये नेगेटिव साइन आप देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन पोजिशन वैक्टर के बिल्कुल अपोजिट है ये कैसे पता चला क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो हम बोलते कि जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन अलोंग द पोजिशन वैक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वैक्टर लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन से हमें यह पता चला कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वैक्टर पोजिशन वैक्टर की डायरेक्शन क्या है इस तरफ तो एक्सलेशन की डायरेक्शन क्या होगी इस तरफ होगी तो यह थी आर तो ये X along X component बना दिया वाई एक्स के पैनल वाई कॉम्पोनेंट तो ये हम इसे ए एक्स ए वाई के साथ इसे रिजोल्व भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप इज इक्वल टू आर यूनिट वैक्टर तो हम यहां पे a वेक्टर इज इक्व टू माइनस वी स्केयर अपॉन आर एज इट इज लिखेंगे इस जगह पे क्या लिखोगे हम r यूनिट वेक्टर तो हमने यहां पे क्या लिख दिया आर यूनिट वेक्टर सो दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस टॉपिक और यहां से हम रिजल्ट बता सकते हैं कि नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द यूनिट वेक्टर आर therefore the acceleration vector for uniform circular motion is directed opposite to the position vector of the object so it is called centripetal acceleration तो यहां से हमने सेंट्रीपिटर एक्सोलेशन को भी डिफाइन कर दिया दोबारा से इसके सेपरेट uh, हम डेफिनेशन uh, भी लिख देते हैं अगर छोटा सा टॉपिक आ भी जाए तो सेंट्रीपिटल एक्सोलेशन क्या होती है सेंट्रीपिटर का मतलब होता है सेंटर सिकिंग सेंटर सिकिंग का मतलब है कंसेंट्रेटेड टू द सेंटर तो डेफिनेशन क्या है अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड अगर कोई पार्टिकल कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है विद रेडियस आर तो इसका मतलब वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि इसका फॉर्मूला हमने पहले ही आपको बता दिया था कि आप इसे याद रखें ए इज टू वी अपॉन आर डायरेक्शन क्या होगी डायरेक्शन क्योंकि सेंटर सीकिंग है सेंटर है इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन है वह द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी सेंट्रीपिटल ऑलवेज पॉइंट द सेंटर ऑफ द सर्कल या फिर सेंटर ऑफ द करवेचर इट चेंजेस कंटिन्यूसली एज पार्टिकल मूव जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी चेंज होती जाती है इसका टाइम पीरियड भी बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा टाइम पीरियड टी कैपिटल टी इट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल वंस अराउंड द सर्कल सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है उसने यहां से जर्नी स्टार्ट करी वो यहां से लेकर पूरा सर्कुलर पाथ मूव करता है ट्रेवल करता है वही इनिशियल पोजीशन पे के बाद वहां पे रुक जाता है तो यहां पे उसने एक सर्कल कवर कर लिया तो उसे बोलेंगे इसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया है यहां पे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया है तो इसे बोलते हैं वन रेवोल्यूशन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन द टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल वंस अराउंड द सर्कल टू मेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अब यहां से लेकर यहां तक ये यह पेरीफ्री में मूव कर रहा है तो यहां पे इसका पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया जितना इस सर्कल का सर्क है तो सर्कल का सर्कल क्या होता है टू पाई आर तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो वेलोसिटी अगर हम फाइंड करें उसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम अब टाइम फाइंड करना है तो टाइम को इस तरफ ले आइए वेलोसिटी को नीचे ले आइए क्या आ जाएगा टू पाईआर अपॉन वी तो टाइम टेकन क्या है टू पाईआर अपॉन वी तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिये न्यूमेरिकल में काम आएगा न्यूमेरिकल की बात करते हैं क्योंकि अक्सर पेपर में डायरिवेशन और न्यूमेरिकल्स ही आते हैं तो इसीलिए हमने स्पेशली न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए हैं जो लास्ट यूनिट्स में जो लास्ट पेपर में भी आए हैं लास्ट ईयर में रिपीट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं अ फ्लैट कर्व्ड रोड इज बींग डिजाइंड फॉर अ स्पीड लिमिट टू सिक्सटी किलोमीटर पर आवर सिक्सटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ एक स्पीड लिमिट तय की गई है The maximum acceleration of car ट्रेवलिंग on this road is to be वन पॉइंट फाइव और उसके रिगार्डिंग उसकी एक्सलेशन कितनी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर वट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पे बात आ गई है तो वहां पे इसका मतलब है सेंट्रीपिटर की बात कर रहे हैं और वैसे भी यहाँ पे उसने लिखा है कर्व्ड रोड रोड है है इसका मतलब पोजिशन वैक्टर इज कॉन्सेंट्रेटेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इसका मतलब क्या है हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें वहां पे उसका फॉर्मूला लगेगा ए इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर लेकिन हमें आर फाइंड करना है ये दोनों चीजें दी गई है तो सबसे पहले लिखेगीवन वी 60 किलोमीटर पर आर आपको इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है क्योंकि एक्सलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो कैसे फाइंड करोगे 60 इंटू थाउजेंड क्योंकि एक किलोमीटर में थाउजेंड मीटर तो थाउजेंड के साथ मल्टीप्लाई एक आर में कितने सेकंड्स होंगे क्या करोगे यहां पे हम लिखेंगे आ, यहां पे हम 60 मिनट 60 सेकंड के साथ इसे डिवाइड करेंगे तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये मैंने यहां पे एज इट इज लिखा है 600 हंड्रेड अपॉन थर्टी मीटर पर सेकंड। जो एसेशन हमें एज इट इज गिवन है तो इस फॉर्म में फिट कीजिए कटिंग कीजिए आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा वन पॉइंट एट फाइव टन पर टू मीटर दिस इज द रेडियस ऑफ द करवेचर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ फाइटर पायलट फ्लाइज हिज एयरक्राफ्ट एट द स्पीड ऑफ टू फाइव टू जीरो किलोमीटर पर स्पीड आपको मिल गई है सर्कुलर आर्क है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आ गई तो यहां पे भी सेंट्रीपेटल फोर्स यूज होगा वट इज एक्सोलेशन यहां पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर भी दिया गया है वी भी दिया गया है ए आपको फाइंड करना है सबसे पहले आपको इस स्पीड को क्या करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है वैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड के साथ डिवाइड करोगे सिक्सटी मिनट सिक्सटी सेकंड के साथ सेवन हंड्रेड मीटर पर सेकंड आपके पास ये विलोसिटी स्पीड uh, आ जाएगी उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर मीटर में ही गिवन है आपको फॉर्मूला पुट करना है डिवाइड करना है 81.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा दिस इज द देशन एक्सपीरियंस बाय द पायलट वेरी इजी न्यूमेरिकल नेक्स्ट इज थर्ड न्यूमेरिकल अ सुपर फास्ट ट्रेन हैज शेड्यूल्ड एवरेज स्पीड शेड्यूल्ड है कितना है 150 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड आपको मिल गई एवरेज स्पीड

एवरेज स्पीड वट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैक टू बी मेंटेन दिस एसेशन इस एसलेशन को मेंटेन करने के लिए मिनिमम कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है वट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ इट हैज टू गो राउंड कर्व ऑफ दिस रेडियस विद इट्स एक्सलेशन तो दो क्वेश्चन है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखें यहाँ पे मास की बात करी गई है वेलोसिटी आपको गिवन है सिर्फ वेलोसिटी गिवन है एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है ठीक है सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है आपको पता चल गया है कि यहाँ पे यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो वो होता है ए इज इक्व टू वी स्केयर अपॉन आर आपको फाइंड करना है दिस वैल्यू तो वो फॉर्मूला बन जाएगा आर इज इक्व टू वी स्केयर अपॉन ए तो वी तो आपके पास है लेकिन एक्सोलेशन तो आपके पास नहीं है लेकिन उसके साथ साथ आपको मास गिवन है मास गिवन है तो यहाँ पे साथ साथ जी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में बताई गई है कि आप इतना यूज करें तो एक्सेलेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है एम क्या होता है एम तो एम तो यहां पर आपको एक्सलेशन अप्लाई करना पड़ेगा एम जी एम वैल्यू मास गिवन है जी वैल्यू गिवन है इसमें में पुट कर दीजिए क्योंकि यहां पे एक्सेलेशन आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है पिछले दो नोमरिकल्स में आपको एसोलेशन डायरेक्ट दिया गया था यहाँ पे आपको खुद फाइंड करना था तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने फाइंड कर लिया लेकिन उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था कि अगर स्पीड है आपके पास डिस्टेंस uh, कवर करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर है 1.5 किलोमीटर मतलब के कि 1500 मीटर तो वहां पे आपको वेलोसिटी फाइंड करिए कितना होगा स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा तो यहां पे भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है ए इज इक्वस टू वी स्केर अपॉन आर ये आपको फाइंड करना है तो इसे इस तरफ ले जाइए तो तो फाइंड करना है तो इस तरफ क्या चला चला जाएगा जाएगा रूट वैल्यू फाइंड पुट करें आर मीटर में पुट करें जो भी आंसर यहां पे मैंने एज इट इज यहां पे छोड़ दिया है आपको इस दोनों को दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट फाइंड करोगे तो आपके पास मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियस ऑफ वॉशिंग मशीन ड्रम इज पॉइंट फाइव मीटर रेडियस मिल गया द मैग्नीट्यूड ऑफ एसोलेशन फेल्ट बाय द वॉटर मॉलिक्यूल एट इट्स आउटर वॉल वेन इट स्पिन अब स्पिन हो रहा है स्पिनिंग की बात कर रहे हैं तो सेंट्रपेटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा एट द रेट ऑफ ट्वेंटी रेवोल्यूशन पर मिनट तो यहां पर फाइन करना है आपको रेडियस आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सोलेशन आपको फाइंड करना है उसके साथ साथ आपको ट्वेंटी रेवोल्यूशन भी दी गई है डिटरमिन द टाइम पीरियड इन वन तो क्या देखते हैं सबसे पहले हमें क्या चाहिए टाइम टाइम कितना है सिक्सटी अपॉन्ट ट्वेंटी थ्री सेकेंड स्पीड ऑफ वॉटर अब स्पीड क्या है सर्कम फ्रांस ऑफ टाइम क्योंकि टाइम पीरियड दिया गया है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था Is equals to pi r upon v. लेकिन यहाँ पे ये भी गिवन है ये भी वैल्यू गिवन है ये हमें फाइंड करनी है तो इसे इस तरफ ले आइए तो थ्री सेकेंड पुट किया आपके पास आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन वी स्केर अपॉन आर वी आपने अभी फाइंड कर लिया आर गिवन है सीधा सीधा सब्सिट्यूट करें आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन आपको टिपिकल लगेगा लेकिन सोल्यूशन इज वेरी वेरी इजी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एक्सेशन ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग एट द इक्वेटर एक्सेरेशन पर्सन की फाइंड करनी है वो इक्वेटर पे खड़ा है और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है इसीलिए हम स्मॉल आर की बजाय कैपिटल आर ले रहे हैं क्योंकि अर्थ रेडियस हम कैपिटल आर के साथ लिखते हैं किलोमीटर में है मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए थाउजेंड के साथ मल्टीप्लाई टेन थ्री मीटर अभी टाइम जो है टाइम तो वन डे मतलब एक दिन में होगा एक दिन में सेकेंड कितने होंगे आवर्स अब find क्या करना है एक्सलेशन एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है अपॉन आर लेकिन वी तो आपके पास नहीं है वी आपके पास नहीं है लेकिन वी फाइंड करने के लिए क्या होगा अब सर्कल अब जो मूव करती है जो उसका इक्वेटर है वहां पे ये सर्कुलर मोशन है तो ये सर्कम हो गया टाइम पीरियड टाइम पीरियड भी आपको दिया गया है क्योंकि हमने फाइंड कर लिया है टाइम भी दिया गया है आर भी दिया गया है विलोसटी फाइंड करना तो ऑब्वियसली वहां पे रेवोल्यूशन वाला फॉर्मूला लगेगा टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए टू पाई आर अपॉन टी टू पाई वैल्यू आर वैल्यू पुट की यहां पे टाइम वैल्यू पुट की मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिए आंसर आ जाएगा एसोलेशन अभी जो हमारा मेन मोटिव था इसीलिए हमने वी फाइन करा था वी वैल्यू पुट कीजिए डिवाइड कीजिए आर के साथ आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल रोटेटिंग फैन कंप्लीट रेवोल्यूशन पर मिनट मिनट में हंड्रेड रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है लेंथ ऑफ इसके ब्लेड का लेंथ आपके पास गिवन है कंसीडर अ पार्टिकल एट द टिप ऑफ ब्लेड सपोज कर लीजिए उस ब्लेड के टिप के ऊपर बिल्कुल टिप पे उस पार्टिकल की पोजीशन है वट इज द डिस्टेंस कवर्ड पार्टिकल इन फाइव रेवोलूशन पांच कितना कवर किया होगा डिस्टेंस उसके बाद डिटर्मिन पीरियड ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड द मैग्ट्यूड्यूशन एक ही नोमेरिकल में चार चार नोमेरिकल यहाँ पे पूछे गए हैं तो सबसे पहले जो कवर किया है डिस्टेंस वो उसने इस मोशन में किया होगा सर्कुलर मोशन में जो पंखा घूमता है तो इसका मतलब रेवल्यूशन कैसे फाइन करोगे सर कॉम फ्रांस टू पाई आर तो डिस्टेंस क्या है टू पाईआर एक रेवोल्यूशन यहां पे कितना है पॉइंट सेवन फाइव तो एक रेवल्यूशन का फॉर्मूला है टू पाई आर पांच रेवोल्यूशन में पूछा गया है फाइव इंटू टू पाई आर तो फाइव इंटू टू टेन पाई वैल्यू आर वैल्यू पुट कीजिए दिस इज द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन फाइव रेवोल्यूशन ये फाइंड किया पीरियड ऑफ मोशन टाइम फाइंड करना है सिक्सटी डिवाइड बाई हंड्रेड सिक्सटी डिवाइड बाई हंड्रेड हंड्रेड रेवोल्यूशन थी फाइंड करनी थी हमें टाइम पीरियड ऑफ मोशन तो सिक्सटी बाय हंड्रेड इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स जीरो सेकेंड उसके बाद फाइंड करना था स्पीड ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ पार्टिकल इज टाइम टाइम हमने फाइंड किया है टू पाए आर हमें पता है अभी टाइम पीरियड फाइन किया वैल्यू पुट कीजिए सॉल्व कीजिए विलोसिटी स्पीड ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा विलोसिटी मिल गया वहां से acceleration भी find कर सकते हैं एज इक्वल टू बी स्केर अपन आर बीस के आर वैल्यूपुट की आर के साथ डिवाइड किया आंसर आ जाएगा एट्टी वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दीज आर दो दीज आर मोर देन सफिशियंट न्यूमेरिकल जो लास्ट पेपर में आए हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे इसके जैसे ही न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे कंसेप्ट यही यूज होगा हो सकता है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज हो ज्यादातर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेंटिपिटल एसोलेशन एसोलेशन फाइंड करना होता है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वैल्यूज डायरेक्ट दी गई होती हैं कई बार एसोलेशन नहीं दिया गया होता आपको फाइंड करना होता है तो सारे के सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं अगर आपको इस वीडियो को हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके तो देखते रहिए हमारा चैनल कॉल क्लासेस थैंक यू